الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. हम जा रहे हैं गारे हिरा. आज तारीख जो है वो 2 अक्टूबर 2023 है और इस्लामिक डे जो है वो 17 रबीउल अव्वल 1445 है. ये हम मस्जिद हरम के बिल्कुल बैक साइड पे आ गए हैं. ऊपर ये वाली पहाड़ी है, मैं इसके बारे में बताऊँगी आप. तो ये सारे होटल्स हैं. ये बड़ा आता न्यू बन रहा है, कंस्ट्रक्शन इसकी जारी है. पर भी आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए ये रोटेट किए जा रहे हैं. ये देखिए ये न्यू एरिया बन रहा है. दरअसल हम लोगों ने जाना है लोकल बस के ऊपर. लोकल बस से हम जाएंगे गारे हिरा इंशाल्लाह. तो ये वाला सारा आता न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है. ये न्यू एक्सटेंशन बन रही है अब्दुल अजीज़ गेट की. ठीक है, अब्दुल अजीज़ एक्सटेंशन के नाम से ये है. जब हम इंशाल्लाह अगली दफ़ा आएंगे तो तैयार होगा. यहाँ पे ये नहीं होता कि आज खुदाई की तो छः महीनों के बाद उसी पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है. जैसे ही खुदाई होती है साथ ही काम शुरू हो चुका होता है. खुदाई हो रही है सात काम हो रहा है साथ खुदाई हो रही है. चलिए जी आगे चलते हैं, फिर आपको मिलाते हैं, दिखाते हैं. ये देखें इसका बैकग्राउंड और इसकी कहानी भी मैं आपको बताती हूँ. ये जो ये वाली पहाड़ी है, बेसिकली इस पहाड़ी को काट के होटल बनाया गया है. और ये वो पहाड़ी है, इसका कुछ हिस्सा रहता है, बचा हुआ है. उसके बारे में बताती हूँ कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो पहाड़ी पहली पहाड़ी है जिसके ऊपर खड़े होकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला मौजज़ा दिखाया था, चाँद को 2 टुकड़े किया था. आगे पहाड़ी नज़र भी आएगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए सारा न्यू एरिया बना है, ये बहुत शानदार बना है. दुरूशे पढ़ते हैं अब. ये देखें बिल्कुल हम बैग पे निकल आए हैं. देखिए सारा कंस्ट्रक्शन हो रही है और सारा नया आता बन रहा है. ये लाइटनिंग है, इतनी तेज़ होती है ये बस रात के टाइम. ये सारी पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर ही बनाया गया होटल. तो सामने भी पहाड़ी नज़र आ रही होगी. अच्छा, इस पहाड़ी के ऊपर ही वो कूड़ा फेंकने वाली औरत भी रहती थी जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी. और फिर उसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासर होकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, मुशर्रफ़े इस्लाम हुई थी. ये सारा देखिए वो सामने कबूतर भी नज़र आ रहे हैं. सारा कंस्ट्रक्टेड एरिया और ये बहुत शानदार तैयार हुआ है. ये बिल्कुल बैक साइड है हरम हरमैन शरीफ़ैन की. अच्छा, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, खिड़कियाँ भी जैसे मुझे नज़र आती हैं. अच्छा, अब मेरे सामने एक और चीज़ भी आ गई है, मैं वो भी दिखाती हूँ. ये है अब लाइब्रेरी. यहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई थी. ज़रूर शिफ पढ़ लेते हैं भाई. अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम. अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम. ये 2 खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं. ये वो जगह है जहाँ पर उस औरत का घर था और यहाँ से वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी. फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आज एक रोज़ उसने कूड़ा नहीं फेंका, तो उन्होंने कहा क्या वजह हुई कि इस औरत ने आज मेरे पे कूड़ा नहीं फेंका. बिहाइंड द वाकया मैं आपको बता रही हूँ, स्टोरी बता रही हूँ. तो उन्हें फिक्र हुई, वो घर गए उनके. उन्होंने देखा कि वो बहुत शदीद बीमार थी. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इयादत की, उनके सेहत याब होने तक उनके घर के चक्कर लगाए, उन्हें मुकम्मल तौर पर उनकी सेहत याबी जब तक वो नहीं हो गई थी उनकी खिदमत की. और फिर उस औरत ने इतना मुतासर हुई कि वह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई थी और उन्होंने उनके दीन को, इस्लाम को कबूल कर दिया था.
में ही वो पहाड़ी भी है जहाँ पे हज़रत अकबर ने खड़े होकर शान के दो टुकड़े किए थे। और आगे पहाड़ी भी थोड़ा सा हिस्सा नज़र आता है, जैसे पहाड़ी के ऊपर ही बना दिए उन्होंने होटल, और ये निशानदेही के लिए वो दो खिड़कियाँ रखी गई हैं। पहाड़ी नज़र आती है तो मैं बताती हूँ, जो सामने आपको छोटे छोटे घर भी नज़र आ रहे होंगे, बहुत पुरानी बस्ती है, यहाँ पे लोग रहते भी हैं, काफ़ी ओल्ड बस्ती है। यहाँ पे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर भी है, वो भी मैं दिखाती हूँ। सामने लाइब्रेरी आ गई है, ये अब क्लोज़ होती है, पहले ये ओपन होती थी लेकिन अब ये क्लोज़ है। पहले ये एक वक्त खुल भी जाती होती थी लेकिन अब ये बिल्कुल परमानेंटली क्लोज़ की गई है। अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कब ये खोलते हैं, अभी जाके इसकी ज़्यारत की जा सकती है। यहाँ पे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बाद से आदत हुई थी। अच्छा, अब अबू जहल का घर आ गया यहाँ पे, वो भी दिखाते चलती हूँ। ये जो आपको वॉशरूम्स नज़र आ रहे हैं, मेन के वॉशरूम्स हैं, ये अबू जहल का घर है, घर था, अब इसको मिसमार करके इन लोगों ने वॉशरूम बना दिए। ये देखें, ये पहाड़ी नज़र आती है, ये वही पहाड़ी है जहाँ पर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूतरों का ढेर यहाँ पर लगा, कबूतरों का ढेर लगा हुआ है। इसी पहाड़ी पे खड़े होके हज़रत सल्लम ने वो मौजा दिखाया था कि चांद के दो टुकड़े किए थे। वो देखे सामने यहाँ तक कितना शानदार तैयार हो रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, हम 10 दिन के बाद यहाँ पे आ रहे हैं, और 10 दिन के बाद यहाँ पे मक्का में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो चुकी है, ये बंदा हैरान हो जाता है। ये सारा अबू जहल का घर है, ये मेरा सारा वॉशरूम बदला बना दिया गया मर्दों का और औरतों का, लेकिन ये सारा अबू जहल का घर है। सारे वो सारे जगह हज़रत अकरम की विलादत पे विलादत मा सआदत की जगह है, लाइब्रेरी बना दी गई है। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत अबू जहल का घर था, अब ये वॉशरूम बना दी गई है, और सारे मर्द हज़र आते हैं, वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ये वही मैं जगह थी। आगे एक जगह पे ना पौधे लगे हुए हैं, वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर मुबारक है, अब उसको भी चेंज कर दिया गया है। जो चीज़ें गुम हो जाती हैं हरम शरीफ में, अब वहाँ से जाके उसको निकाल सकते हैं, ले सकते हैं वापस, वो वहीं पे जमा होती हैं। और वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर मुबारक है, दोनों का घर मुबारक, यहाँ पर से ही आपको चीज़ें वगैरह भी मिल जाती हैं। और ये जो मैप नज़र आ रही है, हरमैन शरीफ एंड का ही है। ये देखें, ये है वो जगह, यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं, और इस अहाते को भी क्लोज किया गया। लिमिटेड सा ही एरिया है, यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं ना, अगर आप उनसे पूछें कि ये कौन सी जगह, ये कौन सी जगह, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि उन्हें हर जगह का पता होता है। ये हज़रत खदीजा का गाड़ी आ गई है, अब हम इस गाड़ी में बैठेंगे और यहाँ से हम गारे हिरा के लिए गारे हिरा के लिए रवा दवाऊँगे इंशाल्लाह। जी, अब हम जो है वो बस में बैठ गए और अब हम जा रहे हैं गारे हिरा के जाने से। वो सामने टर्मिनल था, उस टर्मिनल को हमने लीक कर दिया, और हम ये रास्ते पे जा रहे हैं। ये वो कब्रिस्तान है, जो बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ पे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कब्र मुबारक है, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बेटों की यहाँ पे कब्र मुबारक है, और ये जन्नतुल बकी के बाद दूसरा बड़ा अफजल जो है वो कब्रिस्तान है।
इसे जब नूर भी कहते हैं, गौर हिरा भी कहते हैं। यहाँ पे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई थी और वो वही भी थी बिस्मिल रब्बिकल लज़ी खलक, और वो बिल्कुल सामने हमें मक्का टावर भी नज़र आ रहा है। लेट मी ज़ूम इट, ये मक्का टावर है, बहुत धुंधला सा नज़र आ रहा है बट आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत छोटे छोटे से लोग नज़र आ रहे हैं ऊपर से, इधर नीचे से, सॉरी, हम उनको छोटे नज़र आ रहे हैं, वो हमें देख के छोटा समझ रहे हैं कि हम इतने छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। और सही लोग ऊपर जा रहे हैं, बेतहाशा रश नज़र आ रही है। चलिए जी हम भी चलते हैं बिस्मिल्लाह करके। वो सामने मक्का टावर नज़र आ रहा है और वो सामने जबल रहमत है और वो कबूतर भी हैं। Wow, they all are flying. अच्छा जी, ये देखें, ये बहुत करीब आ गया है जबल नूर की पहाड़ी। ये चढ़ाई हमने चढ़नी है और फिर इससे ऊपर इंशाल्लाह जबल नूर पे हम चढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है। अप्रोक्सीमेट 3 घंटे तो लगते ही हैं चढ़ने में, उतरने में 1.5 घंटा। ये देखें, ये जबल नूर की पहाड़ी है, ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे से बंदे हमें नज़र आ रहे हैं नीचे से करते हुए। ऊपर इस चढ़ाई से ऊपर आ गए, अब हम यहाँ से भी ऊपर जाएंगे। ये भी चढ़ाई है, ये एक और चढ़ाई आ गई है, ये बिल्कुल पतली सी चढ़ाई है। लोग खड़े होकर देख रहे हैं कि हम जाएंगे कैसे। ये इस हाइक्स के ऊपर आए हैं और ऊपर जाने के लिए सोच रहे कि कैसे जाएं। ये हम इतना सा रास्ता तय करके ऊपर पहुँच रहे हैं। सारा सऊदी का मक्का नज़र आ रहा है। हम 4:09 पे चलना शुरू हुए हैं वो सीढ़ियों से। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ से हम चढ़ना शुरू हुए हैं 4:09 पे। आधे घंटे में हमने चढ़ाई क्रॉस की और ये हम 4:09 पे ऊपर चढ़ना शुरू। यहाँ पे स्टे करने का भी है कि आप थोड़ी थोड़ी देर स्टे भी कर सकते हैं। ये स्टे वाली जगह है, ठीक है, इसी तरह ऊपर भी होगी। कुछ ही मनाजिर हैं, हम लोग 1 घंटे के अंदर ऊपर पहुंच गए थे और अब हम वापस जा रहे हैं नफल वगैरह पढ़ के। ये देखिए इतना शानदार मंजर है माशाल्लाह। और अब ये है गारे हिरा, यहाँ पे बहुत रश लगा हुआ है। असर के बाद यहाँ पे मगरिब का टाइम हो चुका था और मगरिब की अजान हो गई थी। हमने मगरिब की नमाज़ यहाँ पे अदा की और उसके बाद उतरना शुरू कर दिया था गारे हिरा से। ये सारा का सारा मगरिब के टाइम का मंज़र है और बहुत खूबसूरत मंज़र है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।